Hello everyone, welcome to Topper's Notes. I'm Rashmi Pal and let's begin with today's current affairs. हमारा पहला आर्टिकल कार्बन वॉच से रिलेटेड है जो कि एक एप्लीकेशन है. तो सबसे पहले इसके बारे में इंपॉर्टेंट बातें देखते हैं. तो ये जो एप्लीकेशन है इसे लॉन्च किया गया है चंडीगढ़ में. तो चंडीगढ़ बना है पहला कोई भी इंडिया का स्टेट या यूनियन टेरिटरी जिसने इस कार्बन वॉच एप्लीकेशन को लॉन्च किया है. ये जो मोबाइल एप्लीकेशन है ये किसी भी इंडिविजुअल के कार्बन फुटप्रिंट का आकलन करेगा, उसको एसेस करेगा. एंड फिर दूसरी बात ये कि ये एप्लीकेशन किसी के भी द्वारा यूज़ किया जा सकता है, कोई भी इसका एक्सेस कर सकता है. बट इसमें चंडीगढ़ के जो निवासी हैं उनके लिए डिटेल स्टडी को कंपाइल करने के लिए एक स्पेसिफिक ऑप्शन दिए हुए हैं. एंड देन इस मोबाइल एप्लीकेशन को किसी भी एंड्रॉयड सपोर्टेड स्मार्टफोन से QR के थ्रू डाउनलोड किया जा सकता है. हमारा अगला आर्टिकल SNP की रेटिंग से रिलेटेड है. तो इन्हें ये प्रोजेक्ट किया है कि 2022 में, मतलब फाइनेंशियल 2022 में इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इमर्जिंग इकोनॉमीज में से एक होगा. तो SNP की ग्लोबल रेटिंग्स ने ये प्रोजेक्ट किया है कि जो इंडिया की GDP है वो 10% के ग्रोथ रेट के साथ 2021-22 में फास्टेस्ट ग्रोइंग इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज में से एक होगा. अब ये जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं वो आए कैसे हैं, किस आधार पर आए वो देखते हैं. तो जो कंटिन्यूस लगातार बहुत टाइम से एग्रीकल्चर सेक्टर का जो अच्छा परफॉर्मेंस आ रहा है एंड COVID-19 के इन्फेक्शन का जो कर्व है वो फ्लैटन होता जा रहा है. एंड साथ में अभी जो रिसेंटली बजट रिलीज किए गए हैं उसमें जो पिकअप्स दिखाए गए हैं, उसमें जो अनाउंसमेंट किए गए हैं, उन सभी के आधार पर इन पॉजिटिव ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स को बताया गया है. देखते हैं इंपॉर्टेंट टेक अवेज फॉर एग्जाम. तो S&P ग्लोबल रेटिंग हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स में एंड S&P ग्लोबल रेटिंग्स के प्रेसिडेंट है जॉन बेरेसफोर्ड. हमारा अगला आर्टिकल है कि इंडियन ऑयल्स ने ग्रीन स्टार्ट, नॉर्वे की ग्रीन स्टार्ट के साथ हाइड्रोजन फ्यूल के लिए एक संधि पर हस्ताक्षर किया है. सो इस संधि में नॉर्वे की ग्रीन स्टार्ट की जो एक सब्सिडरी कंपनी है ग्रीन स्टार्ट हाइड्रोजन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इसके साथ IOCL ने हाइड्रोजन पर एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के सेटअप के लिए स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पर साइन किया है. सो इस एसोसिएशन के तहत IOCL, ग्रीन स्टार्ट और साथ में कुछ इंडो नॉर्वेजियन हाइड्रोजन क्लस्टर कंपनीज हो गई, ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, ये सभी मिलकर सहयोग से CCUS, फ्यूल सेल्स एंड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन हाइड्रोजन इन सभी को डेवलप करेंगे. सो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली इंडिया में एंड इसके चेयरमैन है श्रीकांत माधव वैद्य. अब हम जिस पैक्ट की बात कर रहे थे तो उसके फायदे देख लेते हैं. सो ये दोनों देशों के बीच में ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करेगा एंड साथ में जैसे कि ग्रीन हाइड्रोजन वैल्यू चेन हो गई एंड इससे रिलेटेड और भी टेक्नोलॉजीज हो गई जिसमें इंक्लूडेड है हाइड्रोजन स्टोरेज एंड फ्यूल सेल्स, इन सभी पे जो एक्सपीरियंसेस हैं हम उनको भी एक्सचेंज कर पाएंगे. एंड साथ में ये जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन हाइड्रोजन है ये एक व्हीकल की तरह काम करेगा जो कि इंडिया और नॉर्वेजियन कंट्रीज की जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनमें जो ग्रीन और ब्लू हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स पर जो R&D चल रहा है ये उसको प्रमोट करने के लिए एक व्हीकल का काम करेगा, मतलब मदद करेगा. हमारा अगला आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इसमें UP पहला स्टेट बना है जिसने कि पेपरलेस बजट को प्रमोट किया है. सो बहुत दिनों से बहुत सारे स्टेट्स बात कर रहे थे कि हम पेपरलेस बजट प्रेजेंट करेंगे लेकिन यूपी बना है पहला स्टेट. तो ये पॉइंट आपको याद रखना है. तो इसमें सदन के सभी मेंबर्स को iPads प्रोवाइड किए गए जिससे कि वो बजट की हाईलाइट्स पर टैब रख सके एंड साथ में सदन में दो बड़ी स्क्रीन्स भी थी जिसमें कि हाईलाइट्स को दिखाया जा रहा था. एंड साथ में ये जो बजट डॉक्यूमेंट है इसको एक एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन पर भी अवेलेबल किया गया है एंड ये जो एप्लीकेशन है उसका नाम है उत्तर प्रदेश सरकार का बजट. सो इस एप्लीकेशन को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो. सो इस एप्लीकेशन का नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश सरकार का बजट. हमारा अगला आर्टिकल है कि गिनती के दौरान वार्सिटी कैंपस में कुछ रेयर बर्ड्स को देखा गया. तो ये जो रेयर बर्ड्स हैं इनका नाम है येलो बिल बैबलर, ग्रीन सैंड पाइपर और ग्रे नेक्ड बंटिंग. तो इन्हें मैंगलोर यूनिवर्सिटी में देखा गया है एंड इस यूनिवर्सिटी में चल रहा था कैंपस बर्ड काउंट. तो इस बर्ड काउंट में बर्ड वॉचर्स ने 108 स्पीसीज को रिकॉर्ड किया है एंड ये जो कैंपस बर्ड काउंट चल रहा है ये ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट का ही एक पार्ट है एंड इस ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट को ऑर्गेनाइज करता है बर्ड काउंट ऑफ इंडिया. तो ये थोड़ी इन्फॉर्मेशन हमें याद रखनी है. हमारा अगला आर्टिकल है कि उत्तराखंड में एक ऑर्डिनेंस लाया गया है जिसमें महिलाओं को उनके पति की प्रॉपर्टी में को ओनरशिप का राइट दिया जाएगा. सो ये आर्टिकल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे UPSC, SSC सभी तरह के एग्जाम्स में एक्सपेक्ट किया जा सकता है.
तो हमें याद रखना है कि उत्तराखंड लाया है ये अध्यादेश जिसमें कि महिलाओं को उनके पति की पैतृक संपत्ति में को ओनरशिप का राइट मिलेगा। ये वुमेन इक्वालिटी, वुमेन एम्पावरमेंट दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है एंड ये अभी बहुत ही ज्यादा न्यूज में भी है। तो बेसिकली देखा जाए तो इसको त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार ये देख कर लाई है कि हिली एरियाज में जो एक लार्ज स्केल है वो मतलब मेल्स का जो एक लार्ज स्केल है वो मूव कर जाता है, माइग्रेट कर जाता है लाइवलीहुड के तहत एंड महिलाएं वहां पर रह जाती हैं। सो उनको आर्थिक रूप से स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए, उनको उनके सर्वाइवल के लिए इस ऑर्डिनेंस को लाया गया है। एंड हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि उत्तराखंड बना है हमारी कंट्री का पहला स्टेट जो ये अपने पति की पैतृक संपत्ति पर महिलाओं को ओनरशिप का राइट देता है। हमारा अगला आर्टिकल है कि सऊदी अरेबिया की सेना में अब महिलाएं भी होंगी। तो हमें याद रखना है सऊदी अरेबिया की सेना में, तो यहाँ पर अब सऊदी अरेबियन वुमेन्स को सोल्जर्स, लांस कॉर्पोरल्स, कॉर्पोरल्स, सार्जेंट्स एंड स्टाफ सार्जेंट्स की पोजीशन पर एम्प्लॉयड किया जा सकता है। एंड ये जो कदम है इसका उद्देश्य ये है कि यहाँ की महिलाओं के अधिकार को और ज़्यादा बढ़ाया जा सके। एंड इस प्लान को कि आर्म्ड फोर्सेस में अब महिलाएं भी होंगी, इसे सबसे पहले अनाउंस किया गया था 2019 में। हमारा अगला आर्टिकल है कि यूपी 20 टन काला नमक सिंगापुर को मार्च एंड तक एक्सपोर्ट करेगा। तो यहाँ पर जो काला नमक है वो हम राइस की बात कर रहे हैं, तो इसे याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि यूपी जो 20 टन काला नमक एक्सपोर्ट करने वाला है वो किस चीज से रिलेटेड है। तो इस काला नमक राइस को बुद्धा राइस भी कहा जाता है एंड ये इंडिया के जो फाइनेस्ट वेराइटीज है उनमें से एक है एंड ये एक एरोमेटिक राइस है, इसकी खुशबू बहुत ही बेहतरीन होती है। एंड साथ में इसकी जो पैकेजिंग है उसमें ये लिखा गया है उसमें महात्मा बुद्धा की एक बहुत ही फेमस कोट को लिखा गया है जो कि है द यूनिक अरोमा ऑफ द राइस विल रिमाइंड पीपल अबाउट मी, मतलब इस चावल की जो अनोखी खुशबू है ये हमेशा लोगों को मेरी याद दिलाती रहेगी। एंड एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये कि गवर्नमेंट ने ये भी प्लान किया है कि वो इंटरनेशनल राइस रिसर्च सेंटर वाराणसी के साथ मिलकर उसके सहयोग से सिद्धार्थनगर में एक काला नमक राइस रिसर्च सेंटर को भी स्थापित करेगी। हमारा अगला आर्टिकल मेकिंग पीस विथ नेचर रिपोर्ट से रिलेटेड है। तो इस रिपोर्ट को रिलीज किया है यूएनईपी ने, मतलब यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने, और इस रिपोर्ट को उन्होंने यूएन एनवायरनमेंट असेंबली के 5th सेशन के जस्ट पहले रिलीज किया है। एंड ये रिपोर्ट एक्सप्लेन करती है कि कैसे क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी का लॉस एंड पॉपुलेशन में इंक्रीमेंट, ये तीनों सेल्फ इन्फ्लिक्टेड फैक्टर्स हैं जो कि हमारी प्लैनेटरी इमरजेंसीज को इंटरकनेक्ट करते हैं एंड साथ में कैसे ये हमारी फ्यूचर जनरेशन की वेलबींग को एक अनएक्सेप्टेबल रिस्क में डालते हैं। अब यूएनईपी प्रोग्राम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखें तो ये एक एनवायरमेंटल अथॉरिटी है जिसकी स्थापना 5 जून 1972 को करी गई थी। एंड साथ में इसके कुछ मेजर रिपोर्ट्स हैं जिसको ये रिलीज करते हैं, वो है एमिशन गैप रिपोर्ट, अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट, ग्लोबल एनवायरमेंट आउटलुक, फ्रंटियर्स, इन्वेस्ट इनटू हेल्दी प्लैनेट, ये सारी। एंड इसकी कुछ मेजर कैंपेन्स हैं बीट पोल्यूशन, UN 75, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, वाइल्ड फॉर लाइफ, ये सारे यूएनईपी के हैं। एंड इसका हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या में, सो ये याद रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यूएनईपी का हेडक्वार्टर है नैरोबी केन्या में। अब साथ में अब यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली के बारे में भी देख लें तो ये एक गवर्निंग बॉडी है, मतलब ये यूएन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की ही एक गवर्निंग बॉडी है एंड ये वर्ल्ड की हाईएस्ट लेवल डिसीजन मेकिंग बॉडी है, मतलब एनवायरनमेंट पे अगर कोई भी डिसीजन लेना है तो ये है हाईएस्ट लेवल डिसीजन मेकिंग बॉडी। हमारा अगला आर्टिकल है कि पंजाब कैबिनेट ने सभी गांवों के लिए मिशन लाल लकीर को अप्रूवल दे दिया है। तो सबसे पहले हम इस लाल लकीर वर्ड का मतलब समझते हैं, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो भी जमीन होती है जिस पर आप खेती किसानी नहीं कर सकते उसको बोला जाता है लाल लकीर। तो और ये जो जमीन है इसकी कोई प्रॉपर रजिस्ट्री भी नहीं होती है, तो इसको अगर बेचना है या खरीदना है तो पावर ऑफ अटर्नी के जरिए करा जाता है जिसमें बहुत ज्यादा पैसा एंड टाइम दोनों लग जाता है। एंड कभी इसके थ्रू नहीं भी बेचा गया तो इसे इलीगल तरीकों से बेचा जाता है जिससे कि इसकी जो कीमत है बहुत ही कम लगती है और अल्टीमेटली इसको आप मोनेटाइज नहीं कर सकते प्रॉपरली। तो अब ये जो कैबिनेट ने इस मिशन लाल लकीर को मंजूरी दे दी है इसके तहत इन सारी जमीनों की प्रॉपर रजिस्ट्री होगी जिसके तहत आप अब इनको मोनेटाइज कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये कि ये जो लाल लकीर स्कीम है इसको स्टेट अपने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसकी जो स्वामित्व स्कीम है उसके तहत प्रिपेयर करेंगे। तो स्वामित्व एक एक्रोनिम है जिसका फुल फॉर्म है सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज।
हमारा अगला आर्टिकल है कि इंडिया ने एड्रियाटिक पर्ल इवेंट को बड़े ही स्टाइल में फिनिश किया है, मतलब कि बहुत ही अच्छा इसने अपना प्रदर्शन दिखाया। तो ये जो एड्रियाटिक पर्ल इवेंट था, ये 30th टूर्नामेंट था इस इवेंट का, एंड इसे ऑर्गेनाइज किया गया था मॉन्टीनिग्रो के बुडवा में। तो ये जो कंट्री है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, एक्चुअली में थोड़ी ऑड हो जाती है, तो इसके बारे में हम थोड़ी देर से देखते हैं। तो इसमें हम इस टूर्नामेंट में हमारी जो वुमेन कंटेंजेंट है इनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा, इन्होंने टॉप पर फिनिश किया है एंड ये ट्रॉफी घर लेकर आए। एंड बॉक्सिंग में अरुंधति चौधरी और नाउरीन चानू ने गोल्ड मेडल जीता है। एंड इसमें जो वुमेन कंटेंजेंट का परफॉर्मेंस था वो बहुत अच्छा था, उन्होंने 5 गोल्ड 3 सिल्वर एंड 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, एंड साथ में मेल बॉक्सर्स ने 3 ब्रॉन्ज मेडल भी जीते हैं। अब हम देखते हैं इस कंट्री के बारे में, मॉन्टीनिग्रो के बारे में। तो ये जो कंट्री है ये एड्रियाटिक कोस्ट पर साउथ ईस्ट यूरोप में एक बैल्कन कंट्री है, एंड इसका कैपिटल है पॉडगोरिका, एंड इसके प्रेसिडेंट है मिलो उकानोविक, एंड इसकी करेंसी है यूरो। तो इसके बारे में जो और बात है वो यही है, यूरो ये इवन दो ये एक नेटो कंट्री है बट ये यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है, तब भी ये यूरो को अपनी करेंसी के रूप में चला रहे हैं, तो ये एक थोड़ी डिफरेंट बात है। एंड वर्ल्ड में देखा जाए तो ये एक अकेला देश है जो कि यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है लेकिन ये यूरो करेंसी चलाता है। हमारा अगला आर्टिकल है कि इंडिया की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी को इनॉग्रेट किया गया है। तो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि इसे किस स्टेट में इनॉग्रेट किया गया है, किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया है, ये सभी चीज़ें एग्जाम्स में पूछी जा सकती है। तो इसे इनॉग्रेट किया गया है केरला में, तो केरला ने एक बहुत ही मेजर स्टेप फॉरवर्ड किया है ये नॉलेज सोसाइटी के प्रोग्रेस के लिए, एंड इसका इनॉग्रेशन किया गया है तिरुवनंतपुरम में। इसको इनॉग्रेट किया है गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने, जो कि इस केरला यूनिवर्सिटी ऑफ डिजिटल साइंसेज इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी इसके चांसलर भी हैं। हमारा अगला आर्टिकल फोक आर्ट फेस्ट से रिलेटेड है जिसका नाम है उत्सवम। तो ये उत्सवम 2021 कहाँ पर शुरू होगा, ये शुरू हुआ है केरला में। ये 1-7 दिन का इवेंट है जिसमें कि यहाँ के वाइब्रेंट फोक एंड रिचुअलिस्टिक आर्ट ट्रेडिशंस को फीचर किया जाएगा, एंड ये पूरे केरला के 30 वेन्यूज में इस उत्सव को कंडक्ट किया जाएगा जिसमें हजारों से ज़्यादा आर्टिस्ट पार्टिसिपेट करेंगे। एंड ये जो फेस्टिवल है इसे ऑर्गेनाइज किया गया है केरला टूरिज्म, केरला फोकलोर एकेडमी, भारत भवन और डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म प्रमोशन काउंसिल्स के द्वारा। एंड इसमें जो लीडिंग फोकलोर आर्टिस्ट हैं उनको उत्सवम पुरस्कारम के द्वारा सम्मानित भी किया जाएगा, मतलब उत्सवम पुरस्कारम से सम्मानित भी किया जाएगा। हमारा अगला आर्टिकल एक वीकली प्रोग्राम से रिलेटेड है जिसका नाम है जल है ता कल है। तो ये पंजाब का वीकली प्रोग्राम है, हमें ये याद रखना है। तो पंजाब की गवर्नमेंट चला रही है जल जीवन मिशन जिसके तहत उनका एम है कि पंजाब में हर घर में 2022 तक वर्किंग नल की सुविधा प्रदान की जा सके। तो ये जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल हर घर जल कैंपेन है। तो इसी के तहत एक टीवी प्रोग्राम को प्रसारित किया जाएगा जिसका नाम है जल है ता कल है, जिसमें ये जो कैंपेन है हर घर नल हर घर जल इसके ऑब्जेक्टिव्स को के बारे में लोगों को एजुकेट करने के लिए बताने के लिए प्रसार किया जाएगा। एंड ये जो प्रोग्राम है इसे हर संडे को प्रसारित किया जाएगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये कि इस प्रोग्राम को जो होस्ट करेंगे वो एक बहुत ही प्रसिद्ध अभिनेता है जिनका नाम है बाल मुकुंद शर्मा। तो हमें इनका नाम एंड इस कैंपेन का नाम एंड ये कहाँ पर प्रसारित किया जाएगा इस प्रोग्राम को वो सभी याद रखना है। हमारा अगला आर्टिकल है कि इंडिया की पहली हाइड्रोजन फ्यूल बस सर्विसेज को प्रोवाइड किया जाएगा दिल्ली टू जयपुर रूट पे। तो एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि हमारी जो हाइड्रोजन फ्यूल बस सर्विसेज आने वाली है वो किस रूट के लिए आएंगी, तो आपको बताना है दिल्ली टू जयपुर रूट के लिए। तो ये पूरा प्लान है NTPC का, मतलब नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का। तो उन्होंने ये प्लान किया है कि वो इस प्रीमियम हाइड्रोजन फ्यूल बस सर्विस को दिल्ली टू जयपुर रोड पर शुरू करेंगे। ऐसा अभी कोई डेट उन्होंने नहीं बताई है, ये एक प्लान है जो कि बहुत जल्दी पूरा होगा। एंड ये पहली ऐसी कोई फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल बस सर्विस होगी जिसे इंटरसिटी कम्यूट के लिए यूज किया जा रहा है। सो एज ऑफ नाउ ये एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसे लाया जाएगा। सो इससे जो फ्यूल सेल बसेस है इनकी इंटरसिटी कम्यूट के लिए इनकी वायबिलिटी को गेज करा जा सकता है, एंड साथ में इन फ्यूल सेल बसेस की जो अफोर्डेबिलिटी क्वेश्चन है इसको भी एनालाइज किया जा सकता है। तो हमें ये याद रखना है कि इसे लाएगा NTPC एंड किस रूट के लिए ला रहा है पायलट प्रोजेक्ट के लिए, दिल्ली टू जयपुर रूट के लिए। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।